कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th टू एम कॉम CA CS CMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों स्वागत है आपका KKCMA और हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं सेशन FYBBA के लिए। यस दोस्तों, FYBBA सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में कर रहे हैं बच्चे इंतजार न्यू टॉपिक्स का। एग्जाम कुछ दिन में है और सर ये प्रैक्टिकल जो टॉपिक है जिसमें है कॉस्ट शीट है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसमें आ रही है दिक्कत। तो स्टूडेंट्स डोंट फियर, इफ KKCA इज हियर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई एग्जाम में पास होना है और एग्जाम में ये जो टॉपिक्स है प्रैक्टिकल टॉपिक, इसमें अच्छे से मार्क्स लाना है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि थ्योरी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कितना भी लिख लो, हम एश्योरेंस से नहीं बोल सकते कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, मान लो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है थ्योरी का, एक पेज लिख दिया, दो पेज लिख दिया, तीन पेज लिख दिया, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि 10 में से 10 मिलेंगे। जो गारंटी मिलती है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर हाफ क्यों ना हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द सेंस जहाँ पे सॉल्विंग होता है, जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। सो जहाँ पे सॉल्विंग होता है, टेबल ड्रॉ करना है, तो हाफ पेज का आंसर ही सही। लेकिन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 मिलेंगे। और ऐसे ही हम एक एक सेशन लेके हमारे 10-10 मार्क्स कन्फर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने कुछ डेमो सेशंस दिए हुए, अभी हम दे रहे हैं फिलहाल यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप इससे भी कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, अगर आप डिटेल में चाहते हो, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है KKCA। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज़ें दे रहे हैं। अगर आप KKCA ज्वाइन करते हो तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ लाइव सेशन भी होते हैं और उसी का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। हर सेशन लाइव भी अटेंड कर सकते हो और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है। अगर आपको कुछ डाउट भी हो इससे रिलेटेड, तो आप इस नंबर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आपको एक ऐप का नाम है, जैसे मैंने बताया KKCA, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, तो लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सर कैसे मिलेगा, आप दोगे, सेंड करोगे, क्या होगा? तो स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद आपको चैट्स में, वहाँ पे एप्लीकेशन में आप देखोगे KKCA ऐप में चैट्स नाम का एक सेक्शन है, जहाँ पे आपको मैसेज आएगा हमारी टीम से, वेलकम मैसेज आएगा KKCA पे, और उस मैसेज को आपको रिप्लाई करना है FYBBA सेकेंड सेम फर्स्ट सेम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आप जो सेमिस्टर के जो सब्जेक्ट के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो आपको डिटेल में मैसेज करना है, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी FYBBA सेकेंड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दो, तो डेफिनेटली हमें आपको सर्विस देने में आसानी होगी, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ डाउनलोड्स हो रहे हैं, तो हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप अगर बता दो तो हम जल्दी ही आपको क्वालिटी कंटेंट आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग देखने वाले हैं, क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग डिटेल में देखेंगे, थ्योरी के साथ पहले थ्योरी समझ लेंगे और उसके बाद करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व। सो दोस्तों बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रोसेस या नाम तो सुना ही होगा। अरे सर प्रोसेस या नाम तो बचपन से सुना है, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग ये नया है बच्चों हमारे लिए, अगर कॉस्टिंग में आप नए हो। सो मान लो बेसिकली अभी ये चेयर है, ठीक है, मानने की जरूरत नहीं है, सच में चेयर है। अब ये चेयर जो है, अगर ये चेयर हम मैन्युफैक्चर करना चाहे तो वो कैसे मैन्युफैक्चर होगी, उसका कुछ प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होगा मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है ना। स्टेप नंबर वन हम समझ लेते हैं कि इसमें जो मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक की होती है, फाइबर की होती है, स्टील की, जो भी मेटल की आप बनाना चाहते हैं, वो मेटल या वो चीज़ें लगेगी, पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया, लेबर भी लेकर आ गए, तो उस पर प्रोसेस किया जाएगा। मान लो पहले सिर्फ ये असेंबल किया जाएगा, या फिर इसको वेल्डिंग करके प्रॉपर शेप दिया जाएगा, फिर ये असेंबल किया जाएगा, उसके बाद उसका फिनिशिंग किया जाएगा, फिर पैकिंग किया जाएगा, फिर जाके कहीं पे प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, जो कस्टमर के लिए बना हुआ है, रेडी टू सेल प्रोडक्ट, ओके, जो यूजेबल कंडीशन में है, जो कस्टमर खरीद सकता है, घर पे लेके जाएगा और डायरेक्ट वहाँ पे चेयर पे बैठ सकता है। ऐसे कंडीशन में आने को थोड़ा तो टाइम लगेगा, ओके। तो ये प्रोसेस मतलब जब तक कंप्लीट नहीं होता बच्चों, रॉ मटेरियल से निकल चुका है। रॉ मटेरियल से निकल चुका है मतलब क्या, रॉ मटेरियल मतलब जो चीज़ें हमने लाके रखी है, ठीक है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबर है, फोम है, जो जो चीज़ें हैं ये रॉ मटेरियल लाके रखा है, और हमें चाहिए चेयर जो फाइनल प्रोडक्ट है। तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक पहुंचने तक का जो सफ़र है उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, और वी कैन से वर्क इन प्रोसेस।
अब ये वर्क इन प्रोसेस जो है इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि प्रोसेस वन जिसमें हमने सिर्फ रॉ मटेरियल को असेंबल कर दिया, प्रोसेस टू जिसमें हमने इसको फिनिशिंग कर दिया, प्रोसेस थ्री पैकिंग कर दिया, एंड सो ऑन। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि इसमें कितने प्रोसेस रहेंगे। तो ऐसे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसका अकाउंटिंग कैसे करना है ये हम आज देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। ओके, अकाउंटिंग इन द सेंस प्रोसेस अकाउंट देखेंगे। तो सर ये किसके लिए बना है एग्जैक्टली टॉपिक? हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। दोस्तों अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो ही मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा और तभी तब प्रोसेस आएगा ना। अगर मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडर मतलब व्यापारी, ठीक है, सो व्यापारी अगर व्यापारी हूँ, बनिया हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ। तो इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं, कोई स्टेप्स ही नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा तो प्रोसेस है ही नहीं। ओके, प्रोसेस किसके लिए है? जो प्रोसेसर है, वी कैन से मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये बना हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग। लेट सी, देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है डिटेल में। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट आफ्टर एंजॉइंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस, अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है बच्चों, बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक बेसिक पार्ट देखेंगे आज, क्योंकि अगर ये टॉपिक ऐसा होता कि एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए तो इसके लिए हम डिटेल में 15 लेक्चर्स 20 लेक्चर क्यों होते और 3-4 महीने क्यों पढ़ते अगर इतना शॉर्ट होता तो, ठीक है। सो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा और मैं आपको कंसेप्चुअली सिखा दूंगा, सो दैट क्वेश्चन इससे अलग भी एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर सको, आपको बेसिक आइडिया उसकी अच्छी खासी होगी, ठीक है। नाउ अगर हम कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस हो सकती है, 3 प्रोसेस हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, कितने भी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसमें 2 प्रोसेस रहेगी या मैक्सिमम 3 प्रोसेस रहेगी, उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछ नहीं सकते, नहीं पूछा जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3 प्रोसेस की है, 3 प्रोसेस का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी, मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताता हूँ, साथ में प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और साथ ही साथ हम क्वेश्चन सॉल्व भी करते जाते हैं, ठीक है। सो पहले तो आपको मैं एक फॉर्मेट का ओवरव्यू दे दूँ। यस, प्रोसेस ए, मान लो फर्स्ट प्रोसेस को नाम दिया है हमने प्रोसेस ए, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, के बाद होता है क्वांटिटी, देन रेट, और उसके बाद अमाउंट। अगेन सेम क्रेडिट साइड में भी रहेगा बच्चों, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। दोस्तों ये प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा है, इसके पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी सिखाया हुआ है, अगर आपका वो सेशन मिस हो चुका है तो देख लीजिएगा, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी सेशन अवेलेबल है, उसमें भी एकदम शांति से बेसिक से सिखाया गया है। सो प्रोसेस में बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको याद आ रहा है हर बार तो यहाँ पे बहुत काम में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही प्रोसेस ए को ट्रेड करना है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल। तो रियल अकाउंट में जैसे होता है कि मटेरियल अगर बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो अगर मटेरियल बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे अगर मटेरियल आया, और अगर मटेरियल जा रहा है बिजनेस से तो वो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओपनिंग क्लोजिंग जैसे हम लिखते वैसे ही। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंस लगेगा, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दोस्तों मटेरियल का खर्चा हो या फिर लेबर का एक्सपेंस हो या फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी दिए प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो एक्सपेंसेस प्रोसेस ए मतलब किसी भी प्रोसेस है तो उसके डेबिट में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो मटेरियल अगर जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। सर मटेरियल जाएगा कब? देखो बच्चों मटेरियल जाने के डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है, ठीक है। मटेरियल अगर जा रहा है तो उसमें हो सकता है तो नॉर्मल लॉस,
सर ये नॉर्मल लॉस क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल लॉस मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इतना लॉस होने वाला है, इट इज नॉर्मल। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा शॉक होने वाली कोई चीज नहीं है। हर बिजनेस में होता है बच्चों, हर बिजनेस में लॉस होता है, बट लॉस का रेंज अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब किसी बिजनेस में 2-5% लॉस हो ही जाता है यार प्रोडक्शन करते करते, इट इज नॉर्मल। लेकिन अगर हम ज्वेलरी का बिजनेस ले ले, गोल्ड का बिजनेस ले ले, तो उसमें 5-10% अगर लॉस हो गया तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा? तो वहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन एरर ऑफ मार्जिन होता ही है, कुछ परसेंट, 1% हो, 2% हो, 10% हो, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन के दौरान, वो नॉर्मल लॉस में काउंट होता है। ठीक है, और यह हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया जाता है कि इतना परसेंट नॉर्मल लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रैप। ओके दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस के कुछ पैसे नहीं मिलते, लेकिन स्क्रैप से कुछ पैसा मिलता है। स्क्रैप नॉर्मली हम भंगार जो चीज़ें होती है जो हम वेस्ट में देते हैं उसे हम स्क्रैप बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन के दौरान कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गए, ठीक है, या कुछ गुड्स आधे में ही खराब हो गए, या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाए, वॉट एवर द रीजन इज, तो वो जो मटेरियल है वो हम स्क्रैप में दे देंगे। और स्क्रैप में दिया तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा, कम अमाउंट ही सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो स्क्रैप का पैसा मिलेगा, लेकिन नॉर्मल लॉस का कुछ भी पैसा हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मटेरियल, मतलब अगर इस पर अच्छा खासा प्रोसेस वगैरह हो गया तो ये मटेरियल पास ऑन किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस को, दैट इज अगर यहाँ पे प्रोसेस ए है तो पास हो जाएगा प्रोसेस बी में, और बी से अगर निकला तो सी में, एंड सो ऑन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो पास होता जाएगा। सर ये उल्टा फुल्टा हो सकता है क्या? उल्टा फुल्टा कैसे हो सकता है मेरे भाई? सीक्वेंस होता है ना, पहले असेंबलिंग करोगे, फिर फिनिशिंग करोगे, फिर पैकिंग करोगे। नहीं सर, पहले पैकिंग करते, बाद में फिनिशिंग करेंगे, फिर असेंबलिंग करेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? स्टेप्स होते हैं ना प्रोसेस में, प्रोडक्शन में। तो प्रो स्टेप वन होने के बाद ही टू होगा, टू के बाद ही थ्री होगा, ये सेट है। तो ये उल्टा फुल्टा नहीं चलेगा, इसी सिक्वेंस में लगेगा कंपलसरी। ठीक है, अब इसमें मैं आज क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ तो इसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी के हिसाब से, यस डिफिकल्टी के हिसाब से अगर हम सोचे तो स्टूडेंट्स, हाँ तो डिफिकल्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दिया जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मतलब क्या? बेसिकली मान लो अगर हमने 100 प्रोडक्ट का इनपुट दिया है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट का इनपुट दिया हुआ है और एज्यूम किया है कि 5% नॉर्मल लॉस रहेगा, मतलब 100 में से 5 तो लॉस होने वाला है, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 95। लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आया सिर्फ 90 यूनिट्स। अरे भाई, हमने 5 तो सोच के रखा था, लेकिन 10 यूनिट्स लॉस हो गए, तो जो एक्स्ट्रा है नॉर्मल लॉस जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा लॉस हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम बात करें एबनॉर्मल गेन। अभी सेम सिनेरियो लेता हूँ, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने एज्यूम किया था कि 5% जो है ये नॉर्मल लॉस रहेगा, मतलब 100 में से 5%, मतलब 5 यूनिट्स लॉस्ट होने वाले, मतलब 95 आउटपुट आएगा। लेकिन जब एक्चुअल में देखा प्रोडक्शन होने के बाद तो 98 यूनिट्स का आउटपुट आया है और हमने सोचा था 95, तो 3 यूनिट बोनस, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है, गेन है हमारे लिए, तो ये एबनॉर्मल गेन कहलाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पे ना जाते हुए हम एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसमें ये ट्विस्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल वाला ट्विस्ट नहीं रहेगा। सो लेट्स सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन के साथ ही आपको फॉर्मेट वगैरह, फॉर्मेट तो आपको बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको क्वेश्चन का आइडिया आना चाहिए, एट द एंड घूम फिर के हमारी गाड़ी उसी चीज पे अटकती। सर एग्जाम में क्या आएगा वो बताओ, कैसे सॉल्व करना है वो बताओ। ये दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रोडक्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड बड़ौदा पास थ्रू टू प्रोसेसेस नेमली ए एंड बी। ओके, दो प्रोसेस से पास हुआ ये, एंड इट इज असर्टन दैट इन ईच प्रोसेस 10 10%, अरे अरे मुद्दे की बात आ गई, 10% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट। ओके दोस्तों, इट इज असर्टन मतलब पहले क्लियर किया गया है कि 10% नॉर्मल लॉस्ट होने ही वाला है, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है, जो हम पहले ही सोच के रखते हैं कि इतना लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लॉस होता है। नेक्स्ट, 20% इज स्क्रैप। ओके, तो जितना भी इनपुट देंगे उसमें से 20% स्क्रैप हो जाएगा। द रियलाइजेशन ऑफ फ्रॉम स्क्रैप, मैंने आपको पहले ही बताया नॉर्मल लॉस को तो कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन स्क्रैप बेच के पैसा कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो आगे दिया हुआ है रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप है
वो बेच के 160 रुपीज पर टन इतना पैसा मिलेगा। और जो प्रोसेस बी है, प्रोसेस बी में अगर कुछ स्क्रैप आया तो वो देखिए 400 रुपीज पर टन इतना पैसा रिकवर होगा। सो कॉस्ट फिगर दिया हुआ है। सो साथ में हमें इन्फॉर्मेशन दिए प्रोसेस ए और बी की, मटेरियल कंज्यूम दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, और आगे दिया है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट इन ईच प्रोसेस। ओके, कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट मतलब वहां पे पर टन कॉस्ट भी हमें बता कैलकुलेट करना है, सिर्फ टोटल कॉस्ट फाइंड करके नहीं चलेगा, पर टन। सर ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो हमें उसका कॉस्ट पता होना चाहिए पहले। अरे सेलिंग प्राइस तो रख लेंगे लेकिन कॉस्ट तो पता हो, कॉस्ट के हिसाब से सेलिंग प्राइस सेट करेंगे ना मेरे भाई। अगर खर्चा ही नहीं पता तो इनकम कितना होगा? देखो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, प्राइस तो कम चार्ज करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन के हिसाब से, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट पता करने के लिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग जरूरी है। सो लेट सी, फटाफट से मैं प्रोसेस ए अकाउंट और प्रोसेस बी अकाउंट ड्रॉ करता हूँ और आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो बच्चों, फास्ट। ठीक है, फॉर्मेट अगेन अगेन मैंने सॉल्व ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो। ओके, इसमें थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, कॉलम ज्यादा है ना, तो स्टूडेंट्स तो हिसाब से थोड़ा लंबा ड्रॉ करिए। यस, पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, डेबिट क्रेडिट। अब उसमें तीन कॉलम। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, लेकिन हम कॉलम ड्रॉ करते हुए तीन कॉलम ले रहे हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब आपको अलग अलग फॉर्मेट ड्रॉ ना करना पड़े, क्वांटिटी आया तो कैसे कितने कॉलम, नहीं आया तो कितने कॉलम। इसलिए हम डायरेक्टली पहले ही तीन कॉलम का फॉर्मेट आपको दे रहे हैं जो कंप्लीट फॉर्मेट है, कैसा भी क्वेश्चन आए इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो नामकरण करते हैं। अभी नामकरण का टाइम आ चुका है। यस, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स। नॉर्मली दोस्तों ये जो क्वांटिटी का कॉलम बना है ना वो मटेरियल के लिए बना है, क्योंकि मटेरियल का क्वांटिटी होता है ना, लेबर का तो कुछ क्वांटिटी नहीं होता। मतलब क्वांटिटी होता है, लेबर काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना आया कितना गया ऐसा कुछ नहीं होता ना लेबर के केस में। इसलिए ये क्वांटिटी का कॉलम बेसिकली मटेरियल के लिए ही बना है। ओके, और जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, नाम दिया है ऊपर इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड बड़ौदा, तो हेडिंग दे देते इन द बुक्स ऑफ प्राइड लिमिटेड बड़ौदा। ये प्रोसेस ए अकाउंट है। ओके, ऐसे ही बी का कॉलम फॉर्मेट ड्रॉ करिए, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है बी के लिए।
एट लाइन सफिशियंट है। अपना तो फॉर्मेट रेडी है। चलो 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 बढ़ते आगे फटाफट से। अब सबसे पहले देखो एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस, वो जो लॉस वगैरह दिया है वो सब बाद में देखेंगे। पहले टेबल में देखो क्या दिया है, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम मतलब मटेरियल आ रहा है तो ऑफकोर्स ये एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। टर्न्स में दिया है बच्चों, देखो ये पहले क्वांटिटी में दिया है 2140, ये टर्न्स में दिया है ठीक है। तो कॉलम क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखेंगे तो डेबिट में टू मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड 2000 क्वांटिटी इन केस ऑफ 2000 टन्स, हाँ यहाँ पे क्वांटिटी के यहाँ पे मैं टन्स लिख लेता हूँ और अगेन बी में 148 टन्स है। यस टू अरे 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 रुको जरा, फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना है बच्चों, ये दो लाइन छोड़ के लिखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि समझेगा यार, सबर करो थोड़ा सा, सस्पेंस रहने दो कुछ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन 250 और 200, ये रेट दिया हुआ है पर टन। इन प्रोसेस ए रेट इज 250 एंड इन प्रोसेस बी रेट इज 400 रुपीज। ओके चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करना है मटेरियल का, क्वांटिटी 2000 टन्स और रेट है 250 पर टन। यस कैलसी अलाउड है, टेंशन नहीं है, दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। 2000 इंटू 250, यस आंसर कम्स टू 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट मटेरियल कंज्यूम इन प्रोसेस बी 140 टन्स है इंटू 140 इंटू 400, यस सो आंसर कम्स टू 56,000। यस दोस्तों ये हमने निकाल लिया मटेरियल का प्राइस, डन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अरे हो गया डायरेक्ट वेजेस 36 एंड 24। अरे एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, लिख दो दोनों के डेबिट में डायरेक्ट वेजेस 36 एंड 24। यस प्रोसेस बी में डायरेक्ट वेजेस 24,000। नेक्स्ट आगे दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस, नाम में एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 11,000 और 12,960। राइट डाउन टू चार्जेबल एक्सपेंसेस 11,000 और बी के केस में चार्जेबल एक्सपेंसेस 12,960। ओके डन डन डन। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या दिया हुआ है हमें सेकंड लाइन में, 10% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट। टोटल वेट जितना है उसमें से 10% तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब मटेरियल जा रहा है मतलब क्रेडिट में लिखेंगे। बाय मटेरियल बाय लॉस इन वेट, सॉरी 10% उन्होंने बोला हुआ है ना, 10% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट तो बाय लॉस इन वेट। है 10%। ओके देखो बच्चों इनपुट कितना था 2000 क्वांटिटी तो उसका 10% आएगा 200 क्वांटिटी और लास्ट का कुछ पैसा नहीं मिलता लेकिन 20% दिया हुआ है स्क्रैप, स्क्रैप का पैसा मिलेगा। सो बाय स्क्रैप तो है 20%, तो इनपुट था 2000 उसका 20% मतलब 400 इतना आएगा, स्क्रैप
और स्क्रैप का रेट भी दिया है मेरे को बच्चों, येलो कलर में हाईलाइट किया है, 160 पर टन, प्रोसेस ए के लिए 160 पर टन है। तो 400 इंटू 160, 16 फोर जा 64, और उस पर 1 2 3 0, ओके 400 इंटू 160 करके भी देख सकते हो, 400 इंटू 160, अरे 400 इंटू 160, यस 64,000। चलो आगे आगे, अब ये तो हो गया लॉस और स्क्रैप फॉर प्रोसेस ए, सेम एप्लीकेबल होगा प्रोसेस बी के लिए भी, ओके क्योंकि वर्डिंग क्या है देख लो, इट इज सर्टन दैट, सेकंड लाइन में देखो, ईच प्रोसेस मतलब दोनों भी प्रोसेस में 10% वेट लॉस है और 20% स्क्रैप है, ओके लेकिन अभी के लिए सिर्फ प्रोसेस ए का निपटा दो, रुक जाओ, प्रोसेस ए का निपटा दो रुक जाओ, क्यों आगे समझेगा, ठीक है। चलो प्रोसेस ए का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, अभी वो अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने सब कुछ डाल दी है। अब आगे क्या होगा, 2000 क्वांटिटी था बच्चों, टोटल इनपुट 2000 क्वांटिटी था, 200 तो लॉस्ट हो गया और 400 स्क्रैप हो गया, 600 तो गए बचे 1400। अब ये 1400 का क्या किया जाए, अरे सीधी सी बात है सर, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया जाए, सो क्रेडिट में आएगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट, और क्वांटिटी आएगा 1400, मतलब जितना बचा हुआ है वेस्ट माइनस करके, ठीक है। अब इसका अमाउंट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे सीधी सी बात है, बैलेंसिंग फिगर जैसे क्वांटिटी का बैलेंसिंग फिगर निकाला ना, क्वांटिटी कैसे निकाली हमने, देखो डेबिट का टोटल 2000 है और क्रेडिट का टोटल जो है वो सिर्फ 600 है, तो जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी, सेम लेजर क्लोज करते वैसे 2000 में से 600 माइनस, तो 1400 आ गया। अमाउंट का भी सेम करेंगे, सो लेट सी, डेबिट का टोटल लेते हैं 5 लाख प्लस 36,000 प्लस 11,000, यस ये आ रहा है टोटल 5,47,000, फाइव लैख 47,000, ओके उसमें से 64 लेस करेंगे, 64,000 लेस करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 4,83,000, यस देखो, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ बैलेंसिंग फिगर, तो आपको समझे कि ये कैसे निकाला, ओके और सर रेट कैसे निकालेंगे, अरे टोटल अमाउंट अगर 4,83,000 है डिवाइडेड बाय 1400 अगर क्वांटिटी है तो रेट आ रहा है 345 पर टन, ये निकालना जरूरी क्या सर, निकाल ले तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे तो क्लियरली पूछा हुआ है कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट इन ईच प्रोसेस, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड, हमें फाइंड करना है कि ईच प्रोसेस में कॉस्ट पर टन कितना है, ठीक है। चलो अरे प्रोसेस ए के क्रेडिट से निकला है बी का नाम, तो बी के डेबिट में जाएगा ए का नाम, क्रेडिट से जाएगा डेबिट में टू प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। अभी मैंने ऐसा यहाँ पे ये कैरी डाउन भी वर्ड यूज किया जा सकता है, यहाँ पे कैरी डाउन और यहाँ पे ब्रॉड डाउन, ठीक है नहीं लिखा तो भी ओके कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे का नाम लिखो, लेकिन ए के क्रेडिट में बी प्रोसेस बी का नाम और प्रोसेस बी के डेबिट में प्रोसेस ए का नाम, उतना याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस ए अकाउंट लिख लिया हमने, अब वहाँ से कितना आउटपुट आया, 1400 आउटपुट है, मतलब एक आउटपुट बी के लिए इनपुट 1400, 345 के रेट से अगर देखें तो टोटल वैल्यू आ रहा है 4,83,000, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, अरे भाई अब तक तो वो नॉर्मल लॉस और वेस्ट स्क्रैप वाला पार्ट बाकी है, सो मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय वेट लॉस्ट, यस वेट लॉस कितना परसेंट है, 10% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट, ओके 10% ऑफ टोटल वेट, ये टोटल वेस्ट 10% इतना इजीली लॉस सिर्फ क्वेश्चन में होता है, रियल में साला 1% भी जल्दी लॉस नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या बताए, बढ़ा रहा तो फटाफट बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता, ओके तो मैंने आपको बोला था कि ये बाद में निकालेंगे वेट लॉस, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है कि प्रोसेस ए से इनपुट आ रहा है 1400, बी ने खुद ने मटेरियल बाहर से परचेस किया 140, तो टोटल इनपुट हो गया 1400 प्लस 140 मतलब 1540,
इसका 10% जो है बच्चों, इसका 10% जो है मतलब एक जीरो कट और आंसर आ रहा है 154, इतना वेट लॉस हो जाएगा। ओके इतना वेट लॉस होगा। अगर हम पहले कैलकुलेट कर ले तो हमें पता ही नहीं था ना पहले कि एग्जैक्टली ए से आउटपुट कितना आएगा बी को, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया इमीजिएटली। ठीक है, अब इसका रेट, अरे मेरे भाई वेट लॉस का पैसा नहीं मिलता यार। नेक्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप में हमें बोला गया है कि हर प्रोसेस में 20% स्क्रैप है और स्क्रैप बेच के 400 रुपया मिल रहा है प्रोसेस बी में, यहां पे बाय स्क्रैप। सो स्टूडेंट्स इनपुट जो है 1400 प्लस 140, ये टोटल इनपुट है, इनटू 20%, आंसर इज 308। तो 308 इतना क्वांटिटी का स्क्रैप हो गया जिसका हमें रेट मिल रहा है 400 रुपीज पर टन। सो 308 इंटू 400, तो 1,23,200। ये आएगा स्क्रैप का वैल्यू। ठीक है, मतलब स्क्रैप बेच के इतना पैसा हमें मिला है। डन्स, अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस बी में। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ बचा ही नहीं ना, सब कुछ हो गया। प्रोसेस ए से आ गया, मटेरियल ले लिया, वेजेस आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, साथ में वेट लॉस हो गया, स्क्रैप हो गया। अब क्या करना है यार, अब तो अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी क्लोज करते हैं। तो क्वांटिटी के केस में डेबिट का टोटल देखो बच्चों, 1400 प्लस 140, ये डेबिट का टोटल आ रहा है 1540। ये टोटल आ रहा है 1540। ओके, और 1540 जो टोटल इनपुट है उसमें से 154 ये वेट लॉस है और 308 स्क्रैप है। सो टोटल जो आउटपुट आ रहा है वो है 1078 ओनली। तो प्रोसेस बी से निकला, सर ए से निकला तो बी में पहुंचा, बी से निकला तो सी में जाएगा, सी से निकला डी में, ऐसे एबीसीडी जेड तक करोगे क्या बच्चों? अगर दो ही प्रोसेस उन्होंने बोला हुआ है, मतलब अभी यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो डायरेक्ट रेडी रहेगा गुड्स। सो इट इज फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और ऑफकोर्स ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ये फिनिश स्टॉक है, मतलब फिनिश गुड्स है जो कस्टमर को हम सेल्स कर सकते हैं, जिसका क्वांटिटी आया 1078। सर इसका अमाउंट कैसे निकाले? अरे भाई अमाउंट का टोटल ले लो ना। तो अमाउंट में देखो, डेबिट का टोटल 483,000 प्लस 56,000 प्लस 24,000 प्लस 12,960, ये आ रहा है डेबिट का टोटल 5,75,960। अब क्या करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट वाली टोटल माइनस करेंगे, 575,960 जो था उसमें से 1,23,200 इतना पार्ट हम रिलीज कर दिया। सो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,52,760। ये फाइनल वैल्यू आया फिनिश स्टॉक का जो हमने आउटपुट निकाला, लेकिन हमें पर टर्न भी वैल्यू निकालना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 1078 के साथ, मतलब पर टर्न वैल्यू मिलेगा जो है 420। मतलब अमाउंट भी ऐसा आया कि क्या बताए, 420 ये आया पर टर्न वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक। ओके बस खत्म, और क्या चाहिए आपको, कितना इजी बच्चों। कंसेप्ट तो आपको समझ चुकी होगी और इस पे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर इससे भी ज़्यादा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है, ऑफकोर्स बच्चों क्वेश्चन में और भी ट्विस्ट हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट मैसेज करना है FYBBA सेकंड सेम कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक का जो भी नाम है, तो डेफिनेटली अवर टीम विल ट्राई टू रीच यू, और आपको जो भी हेल्प करना है हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको हेल्प कर सके और आपके मार्क्स में एडिशन ला सके। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।